अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस स्टेशन और एसडीपीओ मॉडल टाउन ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में तजीनों और आयश के कामों का जायजा लिया। पंजाब सेफ सिटीज का बड़ा एजाज, 2 माह में 3रा आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। अक्वामे मुत्तहिदा की वर्ल्ड यूनियन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर यासिर नियाज खान को WSIS प्राइज के लिए मुंतखब कर लिया। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 82,625 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 7,184 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 58,489 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,390 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,055 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस स्टेशन और एसडीपीओ मॉडल टाउन ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में तजीनों और आयश के कामों का जायजा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आईजी पंजाब ने एसडीपीओ मॉडल टाउन के दफ्तर के तामीरियाती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस के थानों के बाद एसडीपीओ के दफातर को भी अपग्रेड कर रहे हैं। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मकसद पुलिस वर्किंग को बेहतर बनाते हुए शहरियों के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद आसान बनाना है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑफिसर ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। अक्वामे मुत्तहिदा की वर्ल्ड यूनियन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर यासिर नियाज खान को WSIS प्राइज के लिए मुंतखब कर लिया। डॉक्टर यासिर नियाज खान पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में बतौर चीफ टेक्निकल ऑफिसर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर से 1,049 उम्मीदवारों ने अपने प्रोजेक्ट्स अवार्ड के लिए भेजे। डॉक्टर यासिर नियाज खान के प्रोजेक्ट को दुनिया भर में सबसे ज्यादा वोट मिले और अवार्ड के लिए मुंतखब हुए। चीफ टेक्निकल ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ज़राअत के शोबे में इस्लाहात पर मुंतखब किया गया। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने डॉक्टर यासिर नियाज खान को खसूसी पैगाम के जरिए आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया। चीफ टेक्निकल ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी को मई के आखिरी हफ्ते में जनीवा में अवार्ड दिया जाएगा। MD सेफ सिटीज अथॉरिटी और स्टाफ की डॉक्टर यासिर नियाज खान को मुबारकबाद। याद रहे, इससे कबल MD सेफ सिटी SN यूनस वर्ल्ड पुलिस समिट और SSP रिफत बुखारी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस अवार्ड जीत चुके हैं। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज मजमुई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमुई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 102 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 112, पंजाब यूनिवर्सिटी 106 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 108 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की इन एडवाइस पे अमल करना हो। सुबह वॉक पे जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।